हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक तिवारी और भाई सामने अपनी खड़ी है होंडा की साइन एसपी 125 सीसी की स्पोर्ट्स एडिशन की ये गाड़ी। भाई ये जो गाड़ी है ना, बिल्कुल स्पोर्ट्स एडिशन में देखने को मिलेगा। एकदम सा नया कलर, नया डिजाइन, नया ग्राफिक्स और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ये गाड़ी में। सबसे पहला चेंजेस की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप एग्जॉस्ट देखोगे ना, उसको कंपनी ने बहुत ही ज्यादा पतला कर दिया है। और भी बहुत सारे चेंजेस आपको ये गाड़ी में देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सा चेंजेस है गाड़ी की, ऑन रोड प्राइस क्या है, स्पोर्ट्स एडिशन में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, क्या नहीं मिलता है, सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि भाई ये जो गाड़ी है वो BA6 की फेज 2 E20 वाली नया गाड़ी है। OBD2 इंजन के साथ है। इसका इंजन पे भी कंपनी ने बहुत सारा काम किया है, बहुत ज्यादा इसको रिफाइन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है 123 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर में इंजन मिलता है, जो कि इन्हांस्ड स्मार्ट पावर से लेस है। इन्हांस्ड स्मार्ट पावर के साथ मिलता है। मैक्सिमम पावर की बात कर ले तो 10.87 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है इस गाड़ी में, जो कि 7500 RPM पे वर्क करती है। और टॉर्क की बात करें तो 10.9 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, जो कि 6000 RPM पे वर्क करती है। इसके साथ साथ इसका इंजन का हेड देखोगे, आपको उठा हुआ इसका इंजन का हेड मिलेगा, स्पार्क प्लग मिल जाता है और यहाँ पे आपको इंजन ऑयल डालने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा। इसके साथ साथ होंडा का बैजिंग किक के साथ मिलता है। और कहीं ना कहीं इसका ये जो एग्जॉस्ट पाइप है ना, कंपनी ने इसको बहुत ही ज्यादा पतला कर दिया है यहाँ पे, इन कंपैरिजन टू ओल्ड SP125। और यहाँ पे सबसे पहले एग्जॉस्ट के पास देखोगे ना कि ये चीज भी बहुत ज्यादा पतला कर दिया है। सो कुछ ना कुछ अगर बोले तो लुक को काफी ज्यादा इन्हांस करती है। इसके साथ साथ आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक के पास। तो आपको मैं सबसे पहले ग्राफिक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टिकरिंग का जो काम देखोगे ना, वो आपको नीचे से सीट कॉल से यहाँ से कंपनी स्टार्ट करती है और यहाँ पे SP125 स्पोर्ट्स एडिशन का बैजिंग देते हुए आपको फ्यूल टैंक पर कुछ इस टाइप का ग्राफिक्स लेकर चली जाती है। इसके साथ साथ बात करते हैं सबसे पहले भाई फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। होंडा का क्रोम के ट्रीटमेंट में बैजिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइबर बॉडी भी मिलता है, जो कि मैट ब्लैक में मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डार्क में ब्लू टाइप से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया ये गाड़ी BA6 की फेज 2 E20 है। और वहीं बात करते हैं अभी इसके मीटर कंसोल पे। तो मीटर कंसोल के पास आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये जो इसका वाइजर सेक्शन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑरेंज कलर के साथ साथ ग्रे कलर के ट्रीटमेंट के साथ आपको यहाँ पे इसका बजिंग देखने को मिलता है। बाकी लाइटिंग सेक्शन की अगर बात कर ले तो फुल्ली LED का सेटअप में आपको इसका लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे LED का बैजिंग भी देख सकते हो। ब्लैक कलर के साथ आप यहाँ पे इसका वाइजर सेक्शन देख सकते हो और यहाँ पे कंपनी मैट का यूज थोड़ा सा कर देती है। इसके साथ साथ बात करते हैं इस गाड़ी की टर्न इंडिकेटर की। तो टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे बल्ब में इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट का सस्पेंशन। फ्रंट का ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हो ना, ये आपको मिलता है टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है। फेंडर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कलर में फेंडर मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर के साथ साथ ब्लैक कलर के साथ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप बात करते हैं इसके फ्रंट की टायर साइज की। तो यहाँ पे आपको 80x100 सेक्शन के 18 इंच के फ्रंट में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। 18 इंच के एलॉय के साथ आपको इसका ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो निफिन की ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाती है। और ब्रेक डायमीटर की बात कर ले तो भाई साहब इस गाड़ी में आपको 240 mm की ब्रेक डायमीटर देखने को मिलेगी। 18 इंच का आपको यहाँ पे कंपनी मैक्सिस का टायर प्रोवाइड कराती है। भाई ये मैक्सिस का कंपनी, आपको यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिस का टायर प्रोवाइड कराती है, जो कि 18 इंच के अलॉयज के साथ है। अलॉयज के पास देखोगे तो स्टिकरिंग का काम किया है, जो कि कुछ ना कुछ इसके लुक को ज्यादा ही इन्हांस करती है, क्योंकि ये जो कलर है ना वो बिल्कुल अकेला कलर है और कहीं ना कहीं ये फुली स्पोर्ट्स वाली फील दे देती है। इसके साथ साथ सीट की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखोगे सिंगल सीट मिलता है और कहीं ना कहीं इसकी सीट की जो चौड़ाई है, यहाँ से पिलन की जो चौड़ाई है, इसको भी कंपनी ने इस बार थोड़ा सा बढ़ाया है। पीछे से टेल लाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि फुल्ली LED के सेटअप में आपको इसका टेल लाइट देखने को मिलेगा। टेल लाइट के पास आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एरो टाइप का यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप इसको रात में देखोगे तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको दोनों साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जो कि आपको बल्ब में मिलता है। यहीं पे फेंडर की बात कर ले तो फाइबर बॉडी में फेंडर मिलता है। और रियर की टायर साइज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 100x18 सेक्शन के 18 इंच के आपको टायर मिलते हैं, यानी 100x80 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ। रियर के सस्पेंशन की बात करें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के आपको रियर के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और वहीं ब्रेक डायमीटर की बात करते हैं तो 130 mm के आसपास इसके रियर की ब्रेक डायमीटर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है वो फुली
कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क होती है, यानी अगर आप इस गाड़ी का आगे वाला भी ब्रेक लेते हो तो पीछे वाला भी साथ में लगेगा। आपको मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ पे ये पीछे वाला ब्रेक मैं जैसे ले रहा हूँ ना, तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे वाला भी ब्रेक आपका ऑटोमेटिक लेते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो स्कीडिंग का प्रॉब्लम को कंपनी ने खत्म कर रहा है धीरे धीरे। अब होगा क्या कि बहुत लोग अचानक से आगे वाला ब्रेक लेते हैं और वो फिसल के गिर जाते हैं, तो ये चीज अब नहीं होगा। जिस गाड़ी में ABS नहीं आ रहा है उस गाड़ी में कंपनी ब्रेकिंग पे ध्यान देकर वहां पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दे देती है। इसके साथ साथ ओवरऑल मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की कर्व वेट की, तो 116 kg की इसकी कर्व वेट मिलती है। भाई गाड़ी जो है वो 125 cc का गाड़ी है और इसका जो कर्व वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 116 kg का कर्व वेट मिलता है। इसके साथ साथ आपको इस साइड से अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखोगे लेडीज साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा जो कि मेटल में मिलता है, फाइबर बॉडी के साथ मिलता है। चेन कवर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइबर में चैन कवर देखने को मिलेगा, यानी चैन कवर का भी अब लफड़ा खत्म हो गया। चैन आपका कितना भी धूल मिट्टी बरसात कीचड़ कहीं भी चला दो, चैन में गंदगी बहुत ही जल्दी नहीं लगेगी। बाकी गाड़ियों में होता है ओपन चैन वालों में कि बहुत जल्दी 1-2 हजार किलोमीटर चला, 1000 किलोमीटर भी चला गाड़ी चैन गंदा हो गया, तो वो चीज से आपको थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं राहत मिलेगा। ये चीज बेस्ट है, 10,000 से 12,000 किलोमीटर के बाद आपका चैन कवर चेंज होता है। बाकी गियर की बात करें तो टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आप देख रहोगे, एक गियर नीचे, बाकी का जो 4 गियर है वो आपको ऊपर में लगेगा। इसके साथ साथ सेफ्टी के तौर पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, SP125 स्पोर्ट्स एडिशन का बेजिंग देखने को मिलेगा। बाकी आप लुक एंड डिजाइन देख रहे हो काफी ज्यादा मस्त है। अब आइए मीटर कंसोल की तरफ कि क्या कुछ कंपनी ने अपडेट करा है इसके मीटर कंसोल में। तो सबसे पहले तो भाई लेफ्ट हैंडल बार में आते हैं तो यहाँ पे आपको पास लाइट, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न सेम एज इट इज वही मिलता है। राइट साइड में आ जाते हैं तो इंजन किल स्विच रेड कलर में मिलता है और इसी में इंटीग्रेटेड आपको सेल्फ भी मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हैंडल बार देख रहे हो, नॉर्मल सा हैंडल बार मिल जाता है। की की अगर बात कर लेते हैं तो होंडा का कुछ आपको यही नॉर्मल वाला की मिलता है। अब की लगाने के बाद आप यहाँ देखो असली जादू भाई, यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, गियर शिफ्ट एडवाइजर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप सेट कर सकते हो अपने सारे चीज को, मीटर कंसोल को अगर सेट करना चाहते हो तो सारा चीज आप यहाँ से मीटर कंसोल में सेट कर सकते हो काफी आसानी से। और अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस, तो भाई यहाँ पे आप देखोगे 160 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। और वहीं अब इस गाड़ी में कोई भी एसेसरीज नहीं लगा हुआ है, अगर आप गाड़ी को खरीदते हो तो आपको ये सारा एसेसरीज जो यहाँ पे रहता है वो सारा चीज लगा कर मिलेगा, कंपनी इसका एक्स्ट्रा 200-500 रुपए ले लेंगे। बात करते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की, तो भाई हमारे यहाँ झारखंड में इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,07,243 रुपए, यानी 1,07,243 रुपीज के आसपास झारखंड में इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। आपको ये स्पोर्ट्स एडिशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस गाड़ी से रिलेटेड क्या आप जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूंगा उस टाइप का वीडियो बनाने का। आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।